लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्रेजुअली कॉनकेव मिरर के फोकल पॉइंट से दूर लेके जा रहा है, ठीक है ना, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ द मिरर। इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का ग्राफ और बनाया गया किसके साथ, यू के साथ, वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, मतलब m और u के बीच में ग्राफ बना हुआ है, तो y एक्सेस पे जो है वो m है और x एक्सेस पे u है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे ना, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम लोग, इसको उसी से करेंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, पहली बात कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तब तो इमेज बहुत दूर बनेगा, और अगर हम लोग m के फॉर्मूले से जाएं तो क्या होता है, माइनस ऑफ v बाई यू, भाई u कुछ कुछ होगा, क्या होगा, f होगा, तो जो v होगा इमेज तो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग भी तो इन्फिनिटी आना चाहिए, तो मतलब जब यू एफ के पास हो तो एम इन्फिनिटी होना चाहिए। यहाँ पे तो एम वन है, गड़बड़ हो रहा है भाई, यहाँ पे भी एफ तो कुछ और ही दिख रहा है, इन्फिनिटी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि एफ के जो देखो ग्राफ जो है वो एकदम एफ पर जब होगा तो इन्फिनिटी की ओर टेंड करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, अभी तो इसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग एफ को देखें तो ये एफ लगभग लगभग वन या वन से कुछ कम के आसपास दिख रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं दिख रहा है, इसलिए डी नहीं हो सकता है। तो क्लियरली केवल एक पॉइंट से हम लोग क्या पा सकते हैं कि डेफिनेटली थर्ड सही है। कुछ कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर होगा तो जो इमेज होगा वो भी कहाँ पर बनता है, 2f पर, तो m की वैल्यू 2f/2f से 1 आएगी, मतलब जब भी 2f होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, तो लगभग यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा है, 4 तो वैसे ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखते हैं बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, एक और तीसरा पॉइंट हम दिखा रहे हैं, अगर हम लोग यू को इन्फिनिटी रख दें तो इमेज एफ पर बनेगा, भाई समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो होना चाहिए जब यू इन्फिनिटी भागे, जब यू इन्फिनिटी भागेगा तो एम की वैल्यू लगभग लगभग जीरो इसमें जा रहा है। जब यू की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ तो इन्फिनिटी को जाया गया ही नहीं है, यहाँ जब यू इन्फिनिटी होगा तो भी ये 1 दिख रहा है, इसलिए बी गड़बड़ है, यहाँ पे जब यू इन्फिनिटी होगा तो एम 0 दिख रहा है, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर वैलिड हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हम लोग चेक कर सकते हैं और आराम से एलिमिनेशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, क्लियर ना।